ग्लैडी जो है बता देते हैं फुल, आपने देखा ग्लैडी का एक्शन बिल्कुल नसीम शाह करके देखें। ग्लैडी नसीम शाह का एक्शन कम, ग्रैंड प्राइज है, आपने लिखना होगा कि आप फाइनल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कौन जीतेगा, आप प्रेडिक्ट करेंगे एशिया कप का विनर कौन होगा, वो आपने मेंशन करना होगा और ये बैट शायद आपके पास आ जाए। ग्लैडी की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं क्योंकि मैच चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। भाई मैच खत्म होने दे फिर भाई, सही है, सेट है तबियत, सेट, विनर्स अनाउंस करें पहले। ग्लैडी और फैजी के साथ आज हम आ गए हैं, ग्लैडी और फैजी हम ही हैं, हमारे साथ ही हम आ गए हैं और विनर्स पहले अनाउंस करेंगे, उसके बाद जो है कॉन्टेस्ट अनाउंस करेंगे, क्या क्या जीतेंगे आप आज वो भी बता दें, अभी बाद में बताएं, पहले विनर्स अनाउंस कर देते हैं। चले पहले विनर्स अनाउंस करते हैं और शाहिद अफरीदी का साइन बैट जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के बैनर में सबने उठाया है। इट्स बिलाल पठान इंस्टाग्राम आईडी है, आपने हमें कॉन्टैक्ट करना है इनबॉक्स में। यू हैव वन शाहिद अफरीदी का साइंड बैट। उसके अलावा जो सरफराज अहमद हमारे कप्तान की साइंड कैप है वो जीती है मूनलाइट उस्वा नवीद 3। ये ट्विटर आईडी है, आपने हमें इनबॉक्स करना है और अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। और लास्ट जो हमारे विनर हैं जिन्होंने जीती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की क्लासिक टी शर्ट वो हैं अनस लगारी 5। ये यूट्यूब के हैं, आप हमें फेसबुक में इनबॉक्स कर लीजिएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई विनर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने को कहा था मैंने, कह तो ये कुछ नहीं रहे। चले आज का कॉन्टेस्ट अनाउंस कर देते हैं और आज के कॉन्टेस्ट में सबसे पहले हम ग्रैंड कॉन्टेस्ट अनाउंस करेंगे। आपने पहले तो प्रेडिक्ट करना है एशिया कप 2023 कौन जीतेगा, क्या मिलने वाला है उसमें। ग्लैडी दिखाएं, ये वाला बैट मिलने वाला है। इस बैट में आप देख लें, ये हमारी जो करंट टीम थी उसकी पूरी लाइनअप का साइन है, यानी मुइन खान, उमर गुल, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मार्टिन गुप्तिल, जेसन रॉय, नसीम शाह, उमर अकमल, इफ्तिखार हसनैन, नवाज मीट, उडीन कैस, नवीन सऊद और उमैद आसिफ, सारे के सारे साइन यहां पर हुए हैं। तो ये ग्रैंड प्राइज है, आपने लिखना होगा कि आप फाइनल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कौन जीतेगा, आप प्रेडिक्ट करेंगे एशिया कप का विनर कौन होगा, वो आपने मेंशन करना होगा और ये बैट शायद आपके पास आ जाए। लाडी अब डांस करो ना, ये एक बैट जाएगा, ये लाडी मुझे भी बिगाड़ है। लाडी वेट, अभी पूरा कॉन्टेस्ट अनाउंस होना है आज के एपिसोड का भी। सो लेट्स सी सबसे पहले हम क्या देने वाले हैं। सबसे पहले जो है ये साइंड बैट है हमारे ग्लैडिएटर इफ्तिखार अहमद का। ये बैट जीतने के लिए आपने सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के मैच में इफ्तिखार अहमद ने कितना स्कोर किया था। आपने ये बताना है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के मैच में जो अभी हुआ उसमें इफ्तिखार अहमद का स्कोर क्या था। और आप ये बैट खुद इफ्तिखार ने साइन किया है, आप ये जीत सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टेस्ट का सवाल वो है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के मैच का टॉप विकेट टेकर कौन था। और टॉप विकेट टेकर की बात हो रही है तो बॉल तो आनी थी, ये साइंड बॉल है किसकी, नसीम शाह की साइंड बॉल है। ग्लैडी जो है बता देते हैं फुल, आपने देखा ग्लैडी का एक्शन बिल्कुल नसीम शाह करके देखें। ग्लैडी नसीम शाह का एक्शन कम, ये बस छोड़े ऐसा लगा आपने, वापस वापस करें, ये एक्शन बड़ा स्टाइलिश है इनका। तो नसीम शाह की साइंड बॉल जीतने के लिए आपने बताना है कि पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के मैच में टॉप विकेट टेकर कौन था और ये बॉल आप जीत सकेंगे। नीचे कमेंट्स में अलग अलग जवाब देने हैं बाय द वे ये सारे। और आखिरी आखिरी सवाल जो है, पाकिस्तान ने पहला एशिया कप किसकी कप्तानी में जीता था और इस सवाल का सही जवाब देंगे तो क्या मिलेगा। नहीं ये गंदे इशारे ना करें, नहीं मग की बात कर रहे हैं, ये है साइंड मग मोहम्मद नवाज का। अगर आप इसमें चाय पीना चाहते हैं तो आपने बस ये बताना है कि पाकिस्तान ने पहला एशिया कप किसकी कप्तानी में जीता था। तो भाई बहुत सारे प्राइजेस जो हैं ग्लैडी हमने आज बता दिया है, अब बता दें इनको कहां कमेंट करना है और कैसे कमेंट करना है।
नीचे कमेंट करना है, अलग अलग जवाब देने, और ग्रैंड कॉन्टेस्ट का तो हमने आपको बता ही दिया है, उसका भी आपने अलग जवाब देना है। तो ये सारे मजे मजे के एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर आएंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का गेम चल रहा है, ग्लैडी फिर से शुरू हो जाए, हो गया आज अलाफिस तो करो काय काय कोडा काय काय ए काय काय कोडा अब की बार।